Hello everyone, I hope you are all doing well. My name is Karanbad, and uh, today we are going to start an interesting series for the student of specifically civil services. We can call it civil servant or you can say aspirants of civil services. Also, for standard 12th and the college students who are in search of the history. Who wants to know and explore the Indian history, specifically modern Indian history? So, uh, friends, today we series. That was that is based on Spectrum, right? Spectrum publication, a brief history of modern India, right? So, we are starting with the second unit, which is considered. एज एन एडवेंट ऑफ़ यूरोपियन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स इन इंडिया सो इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग तीन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर थ्री फोर एंड फाइव जिसमें हम लोग समझेंगे कि पोर्टुगीज दैन आवर ब्रिटिशर्स एंड देन आवर फ्रेंच उन्होंने किस तरीके से इंडिया को कंसोलीडेट किया किस तरीके से इनका अराइवल हुआ किस तरीके से इन्होंने ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ गए इन किस तरीके से इन्होंने जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अपना एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया राइट सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूरोपियंस इंडिया में किस तरीके से आते हैं तो उसका रीजन क्या है राइट सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पोर्टोगीज से आप हेडिंग देख रहे हैं पोर्टुगीज़ इन इंडिया द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया नवशी गज बिफोर इवन स्टार्टिंग विध द पोर्टुगीज हमें यह समझना पड़ेगा कि ये लोग इंडिया में आए क्यों राइट आज तक जनरल एक कंसिडरेशन है कि ये लोग जस्ट फॉर बिजनेस आ रहे हैं इंडिया में एंड बिजनेस के बाद वो लोग रूलिंग की तरफ जा रहे हैं बट वो बिज़नेस करने भी क्यों आए इंडिया में राइट right? तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम थी पहले कि भई तो हम लोग इकोनॉमिकली uh, कनेक्टेड थे या हमारे कल्चर्स कनेक्टेड थे कि क्या ऐसा कोई हिस्टोरिकल uh, एविडेंस था हमारे पास या फिर क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ी पोर्टुगीज़ को इंडिया आने की राइट right? सो so, एक बेसिक सा मोटिव है बिफोर स्टार्टिंग विद द पोर्टुगीज़ हमें ये सब बनना पड़ेगा कि ये लोग आए क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी तो आप सबको पता था कि रोमन एम्पायर करके हमारे यहाँ पे एक वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था रोमन एम्पायर करके जिसका डिक्लाइन हुआ अराउंड सेवन सेंचुरी में एंड उसका डिक्लाइन क्यों हुआ उसका रीज़न था अरब्स ठीक है अरब्स जो थे उनका डोमिनेशन ये जो इजिप्ट पर्शिया के सेक्टर में जो बढ़ता गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं रोमन इन्फ्लुंस यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हुआ अब जैसे ही ये रोमन एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू होता है और अरब्स का आप कह सकते हो कि डोमिनेंस बढ़ता है तो ऐसे में जो यूरोपियन समझ लो कि ये जो आप यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म देख रहे हो ये आपका यूरोप है यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में आप देख रहे हो जो कि रोमन एम्पायर है या आप कह लो कि अरब डोमिनेंस स्टेट्स हैं एंड ये जो आप स्क्वायर रूट देख रहे हो दैट हमारा इंडिया ठीक है तो पहले के टाइम पीरियड में क्या होता था कि इंडिया के से कोई भी अगर स्पाइसेस uh, है हर्ब्स है जो कि लैंड रूट के थ्रू जाते हैं तो वो आपके रोमन एम्पायर्स के थ्रू जाते थे एंड यूरोपियंस की यूरोपियन की तरफ जाते थे बट अब सीन ये हुआ कि यहाँ पे आपका रोमन एम्पायर टोटली डिक्लाइन है ये किसके कंट्रोल में है ये अरब के कंट्रोल में है तो अरब ने इस रीजन को ब्लॉक कर दिया है ठीक है तो अब जो भी स्पाइसेस एंड हर्ब्स इंडिया से यूरोप जा, जाने वाले थे जो जा सकते थे लैंड रूट के थ्रू अब वो लैंड रूट पे किसका डोमिनेंस आ गया अरब का आ गया मतलब कि वो लैंड रूट आपका ब्लॉक हो गया तो अब यूरोप के पास दो चीज़ें हैं कि या तो वो अल्टरनेट सोर्स ढूंढे किसका स्पाइसिस का या हर्ब्स का जो कि उस दिनों में पॉसिबल नहीं था क्योंकि जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के टाइम पीरियड में पॉसिबल है तो उतना शायद उन दिनों में पॉसिबल नहीं था तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या बचता है उनके पास कि भाई इंडिया का जा, इंडिया की तरफ जाने का दूसरा कोई रूट ढूंढे ठीक है तो लैंड रूट यहां पे ब्लॉकेज हो गया है तो अब उनके पास बचा है सी रूट ठीक है तो उन्होंने क्या करा एक्सपीडिशन शुरू किए राइट उन्होंने धीरे धीरे एक्सपीडिशंस शुरू किए अब एक्सपीडिशन में आपको देखने को मिलता है कि अराउंड अराउंड फिफ्टींथ सेंचुरी में ठीक है अराउंड फिफ्टीन सेंचुरी और लेटर फिफ्टीन सेंचुरी हम लोग टू भी स्पेसिफिक कह सकते हो यूरोप में स्पिरिट ऑफ रिनेंशियल यानी कि पुनर्जागृति की एक पूरी स्पिरिट जगी हम लोगों वहां के लोगों को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर भी फॉल हो चुका रोमन एम्पायर भी गिरा सो so, ऐसे में हमारे पास अगर हमें हमारे ट्रेड को हमारे कंट्रीमेंट्स को परफेक्टली चलाना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा रिनाइसेंस की तरफ जाना पड़ेगा पुनर्जागृति की तरफ जाना पड़ेगा और पुनर्जागृति का एक मेजर मोटिव था कि एक्सप्लोरेशन कोल फ्लोर एक्सप्लोरेशन अब जितने भी कंट्रीज़ थे यूरोपियन यूरोपियन सेक्टर्स में एट दैट टाइम टाइम पीरियड उन्होंने अपने अपने किंग्स ने अपने अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनको बोला कि भाई आप जाओ हम आपको टोटल परमिशन देते हैं हम लोग आपको फिनेंशियल हेल्प करेंगे हम लोग आपको लॉजिस्टिकली हेल्प करेंगे जितनी भी चीज़ें आपको हेल्प चाहिए आप सारी हेल्प ले सकते हो बस कुछ भी करके आप इंडिया को ढूंढो ठीक है अब ये जो एक्सप्लोरेशन था वो एक्सप्लोरेशन किसका था आपको पता चला होगा कि इंडिया का था ठीक है so, सो यहाँ पे एक दिमाग में आपकी एक और चीज़ बननी चाहिए कि लैंड रूट को ब्लॉकेज करने पे सिर्फ सी रूट को ही क्यों यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया तो उसका एक रीज़न ये था कि ड्यूरिंग द लेटर फिफ्टीन सेंचुरी आपको देखने को मिलता है कि यूरोपियंस ने शिप बिल्डिंग में और नेविगेशन में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट पा लिया था राइट right? वहाँ के जितने भी अगर पोर्टुग पोर्टुगीज की बात करें फ्रेंच लोगों की बात करें आप कह लो कि डचमैनस की बात करें या फिर ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो लोग जो हैं वो शिप बिल्डिंग में नेविगेशन में बहुत ही एडवांसमेंट पा चुके थे वो टाइम पीरियड की जो टेक्नोलॉजी थी उसके कंटेप्रेरी में सो so, हर एक लोगों का यहाँ पर दूसरी चीज़ इंडिया को ढूंढने की रेस में यहाँ पर इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग करी अपनी दूसरा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन जनरेट करी मतलब अगर यूरोप वाले कुछ अगर समझ लो कि पोर्टुगीज़ वाले कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो कल जाके ब्रिटिशर्स उससे अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे कल जाके डचमैन उनसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे सो so, इसी कंपटीशन में उनकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो गई कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वर्ल्ड में ऐसी कोई भी पावर्स नहीं थी जो उस यूरोपियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कंपीट कर सके राइट right? सो so, जैसे ही ये शिप बिल्डिंग डेवलप होता है वहाँ से हर एक किंग इंडिया को ढूंढने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टुगीज़ किंग जो होता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस भेज रहा है इंडिया को ढूंढने ब्रिटिश किंग्स अपने एक्सपेक्टेशंस भेजते हैं इंडिया को ढूंढने सो वैसे एक कंट्रीज़ के एक्सपेक्टेशंस जाते हैं इंडिया को ढूंढने में और आप सबको पता है कि हमारा वास्को द गामा जो है जो कि पोर्टुगीज था वो सक्सेस पा मिलता है उसे यहाँ पर इंडिया को ढूंढने में राइट सो so, ये चीज़ है इसके आगे अगर हम लोग देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे री यहाँ पे यूरोपियन नेशंस का बहुत सारे यूरोपियन रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इन ड्यूरेशन में होता है राइट यहाँ पे लैंड का एक्सपांशन हो रहा है कल्टीवेशन को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जो साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट है ठीक है जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक है तो ऐसी टेक्निक्स भी यहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में धीरे धीरे इम्प्रूव होती हुई या तो डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है अब ऐसा क्यों क्योंकि यूरोपियंस ने जहाँ तक ये एक्सपेडिशन शुरू नहीं हुए थे तो उस दौरान बहुत सारे यूरोपियंस ने ये भी सोचा था कि क्यों ना हम भी खुद की ऐसे कोई कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि जिससे हम लोग स्पाइसेस जो इंडिया से मंगाते हैं उसकी जगह हम लोग कुछ ना कुछ हमारे ही तरीके से प्रोडक्शन करें यू you नो know, अभी जैसे चल रहा है ना आत्मनिर्भर भारत वैसे आत्मनिर्भर यूरोप होने की बात थी राइट right? बट वो सक्सेसफुल उतना हुआ नहीं क्योंकि इंडिया में जो रिचनेस इंडिया के स्पाइसिस एंड में, हर्ब्स में जो रिचनेस थी वो शायद वहाँ पर आपको नहीं मिल सकती थी राइट right? इसके अलावा अगर आगे देखें तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑटोमन टूर्क जो हुआ करते थे ठीक है उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर एक्सप्लोरेशन किए राइट right? साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि पोर्टुगल एंड स्पेन मतलब कि पोर्टुगीज एंड स्पेन जो थे उनके पास कहीं ना कहीं मनी पावर भी था और मैन पावर भी था ठीक है अगर कंटेम्प्ररी यूरोपियंस की बात करें तो उसमें पोर्टुगल एंड स्पेन ये दो ऐसे पावर्स थे जिनके पास कहीं ना कहीं मनी पावर भी ज़्यादा हुआ करता था और मैन पावर भी ज़्यादा हुआ करता था अब जब ये दोनों आपके पास ज़्यादा है तो आपका एक जो आर एंड डी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा साथ ही साथ आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे शिप बिल्डिंग आपकी इंप्रूव होएगी तो आप देखो कि कोई और कंट्री में नहीं और पोर्टुगीज का ही इंडिया मिलना ये सिर्फ एक ऐसे ही सपना नहीं है या ऐसे ही कोई एक जस्ट विदाउट एनी बेसिस वाली स्टोरी नहीं है ठीक है इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे ठीक है जो रीजंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सो so, uh, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्टुगल्स की अगर बात करें हम लोग तो पोर्टुगल हैड एज्यूम द लीडरशिप इन द क्रिस्टन डोम्स राइट उन्होंने क्रिस्टन डोम्स के अंडर जो है अपनी लीडरशिप को यहाँ पे एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो है थोड़ा बहुत इस्लाम को भी इन्वॉल्व किया अपनी यहाँ पे पूरी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में पूरी एक्सपडिशंस में एंड धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की तरफ जो अपने एक्सप्लोरेशंस थे उसे इंक्रीज किया अब इसकी अगर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंस हेनरी ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अगर जहाँ तक आपके एक्सपेडिशन्स की बात है नेविगेशन की बात है तो प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल वाज निक नेम्ड एज द नेविगेटर ठीक है उसको नेविगेटर महान माना जाता है अब नेविगेटर कहाँ का नेविगेटर इंडिया का तो माना नहीं जाएगा तो नेविगेटर उसको माना जाता था मेरेडियन का मेडिटरनियन का ठीक है आप सबको पता होगा कि यूरोप में अगर जियोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो यूरोप के लिए मेडिटेरेनियन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो ऐसे में जो मेडिटेरेनियन था उसमें भी उसका उसे नेविगेटर माना जाता था लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ईस्ट मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन पोर्शन था ठीक है जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पोर्शन था वहाँ पे अगेन मुस्लिम डोमिनेशन था ठीक है अगेन यहाँ पे आपके मुस्लिम डोमिनेशन था क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एरिया कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में हुआ करता था उसके बाद टुर्कस ने और अरब्स ने वहाँ पे डोमिनेशन बढ़ा दिया तो अगेन वो चीज़ पूरी यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन में चली गई थी तो अब मुस्लिम डोमिनेशन में चली गई थी मतलब कि मेडिटरनियन वाला सी तो आपके लिए बंद है तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा राइट तो ऐसे में आप देख सकते हो कि पोप निकोलस फाइव गेव प्रिंस Henry अब्बुल इन फोरटीन फिफ्टी फोर कन्फर्मिंग ऑन हिम द राइट टू नेविगेट द सी टू द डिस्टन्थ शोर ऑफ द ओरियंट ठीक है मतलब कि जो एक ओरिएंट आप कह सकते हो कि जो डायमंड है जो पल जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं उस पल तक जाने का जो समंदर है उस समंदर को पूरा एक्सप्लोर करना उसको पूरा यहाँ पर एक्सपोडेट करना उसके एक्सक्लूसिव राइट किसे दिए जाते हैं प्रिंस हैंनरी को दिए जाते अब आप देखिए गाइस कि क्रिश्चानिटी में पॉप का जो इम्पोर्टेंस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है राइट right? तो ये जो पॉप निकोलस फाइव थे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड्स में उन्होंने इन सब में से सिर्फ प्रिंस हैंनरी को ही ये बुल दिया फि फिफ्टी फोर को ठीक है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि पॉप निकोलस ने किसको ये दिया था बुल ठीक है पॉप निकोलस ने प्रिंस हेनरी को कौन सा एनिमल दिया था एज एन सिग्निफ साइन कि भाई आपके पास एक्सपेडिशन के एक्सक्लूसिव राइट right मिलते हैं और साथ ही साथ टाइम पीरियड यानी कि 1454 फिफ्टी फोर तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इससे वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक लाइन में से ही तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं राइट right? अच्छा ये जो चीज़ उन्हें दी गई थी दैट वॉज अ साइन कि भाई आपको ये सी टू द डिस्टेंस श्योर ऑफ द ओरियंट आपको ढूंढना है मतलब कि क्या यहाँ पे ओरिएंट किसे कंसीडर किया गया है ओरिएंट यहाँ पे कंसीडर किया गया है आपके समंदर को ठीक है आपके सी को आपके जो है यहाँ पे इंडिया के आ, यूरोप से इंडिया के पूरे सी वे को डिस्टेंस शोर यानि कि आपका इंडिया राइट यूरोप से डिस्टेंस शोर को इंडिया आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे एंड मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एस फॉर एस इंडिया ठीक है क्योंकि ये सारी की सारी लड़ाई किसके लिए हो रही थी इंडिया के लिए इंडिया को ढूंढने के लिए अब यहाँ पे एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है आप ट्रेजेडी देखिए आप किस तरीके से हिस्ट्री यहाँ पे अपने अपने रंग बदलती है कि यहाँ पे जैसे ही पोप निकोलस ने ये प्रिंस हेनरी को दिया एक्सक्लूसिव राइट उसके थोड़े ही देर बाद ठीक है थोड़े ही देर बाद यहाँ पे इस्लामिक एंड आपके क्रिश्चनिटी के बीच में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या हो जाती है कंपटीशन हो जाती है और कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को अगर पूरा करें उस कंपटीशन को पूरा करने से पहले ही आपके प्रिंस हेनरी जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो उनको जो ये बुल मिला था उनको जो ये पूरा पॉप निकोलस ने एक एक्सक्लूसिव राइट right दिया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हो पाया क्यों क्योंकि उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई तो अब प्रिंस हैरी तो पिक्चर में से चले गए जो आपके नेविगेटर जिसे कंसीडर किया जाता था वो तो चले गए इसके अलावा अब एक नया पूरा क्वेश्चन जन्मा कि यार अब कौन करेगा अब किसके पास ये एक्सपेडिशन के राइट आएंगे तो इसमें एक इवेंट आती है फोर्टीन की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है जिसमें आपके ट्रिटी ऑफ टोर्डेसिलस कंसीडर की जाती है एज अ आप कह सकते हो कि लैंडमार्क एलिमेंट या तो लैंडमार्क ट्रीटी राइट अब 1494 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्टुगल एंड स्पेन ठीक है पोर्टुगल एंड स्पेन मैंने ऊपर ही बताया कि दोनों ही मैन पावर में एडवांस थे दोनों ही मनी पावर में भी एडवांस थे तो पोर्टुगल एंड स्पेन दोनों ने क्या किया ये दोनों ने ट्रिटी ऑफ टोर्डेसिलस बनाई ठीक है आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिटी ऑफ टोर्डेसिलस किसके बीच में बनी थी या तो कौन से टाइम पीरियड के बीच में बनी थी तो आपको ये याद होना चाहिए कि ट्रिटी ऑफ टोरडेसिलस फोरटीन में बनी थी इसके बीच में तो कि पोर्टुगल एंड स्पेन के बीच में अब इसमें हुआ क्या था ट्रिटी में क्या बोला गया था कि ये जो आपके पोर्टुगल एंड स्पेन है इन्होंने नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को ठीक है क्रिश्चियनिटी के अलावा जितना भी वर्ल्ड बचता है चाहे उसमें हिंदुज़्म आ गया हो चाहे उसमें इस्लामिक स्टेट्स आ गए हों जितनी भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड्स आते हैं उस नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को इमेजनरी लाइन के थ्रू डिवाइड कर दिया ठीक है कि समझ लो कि ये आपका पूरा एक यहाँ पे वर्ल्ड है ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यूरोप एशिया ने ये सब इंडिया का वाला पोर्शन है ये सब आपका यूएस एस कैनेडा वाला जो पूरा रीजन है वो है और ये आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा आपको लाइन दिख रही है ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है ठीक है इमेजिनरी लाइन आपके एटलांटिक ओशियन में है राइट सो पोर्टुगीज इन स्पेन ने क्या किया कि पोर्टुगल ने कहा कि इस इस पर्टिकुलर एटलांटिक लाइन से इमेजिनरी लाइन से जो ईस्ट की लाइन है राइट right? मतलब कि ये वाली जो पूरी लाइन है ईस्ट साइड होती है ईस्ट वो ईस्टर्न वर्ल्ड होता है उसे कौन एक्सपीडेट करेगा उसे पोर्टुगल एक्सपीडेट करेगा मतलब कि पोर्टुगल के जितने भी एक्सपीडिशन होंगे वो एटलांटिक के ईस्ट वर्ल्ड होंगे और जो आपके स्पेन बचा ठीक है स्पेन के जितने भी एक्सपर्टेशन होंगे वो सारे के सारे एटलांटिक के वेस्ट तरफ होंगे ठीक है मतलब कि यहाँ पे ये यह हिस्सा पूरा स्पेन को गया तो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया कि ईस्टर्न साइड आपका पोर्टुगल जाएगा वेस्टर्न साइड आपका स्पेन जाएगा ठीक है और जिनको भी यहाँ पे इंडिया मिलता है वो दोनों साथ में मिलके वहाँ पे बिजनेस करेंगे ये कुछ डिसाइड हुआ किस में ट्रिटी ऑफ टॉर्डेसिलस में ठीक है ट्रिटी ऑफ टोरसिलस 1494 में सो so, किसके बीच में हुई पोर्टूगल एंड स्पेन के बीच में कब हुई 1494 में हुई एंड उसमें क्या कहा गया तो कि भाई अटलांटिक के ईस्टर्न पोर्शन जो है वो पोर्टुगल एक्सपोडेट करेगा और वेस्टर्न पोर्शन जो है वो आपका स्पेन यहाँ पे एक्सपोडेट करेगा राइट right. आगे बात करें फोर्टीन में फोर्टीन में पोर्टुगीज नेविगेटर हुआ करते थे जिसका नाम था बार्थोलोमेव डायास ठीक है बार्थोलोमेव डियास इन्होंने जो है केप ऑफ गुड होप को ढूंढ निकाला ठीक है इन्होंने अपने एक्सपेडिशंस के थ्रू केप ऑफ गुड होप को निकाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूरोप बनता है यहाँ पे आपका अफ्रीका नेशन ले लो एंड यहाँ पे कहीं पे आपका आपका इंडिया पड़ता है राइट तो ये यह यहाँ से निकले यहाँ पे पहुँच गए तो ये जो सर्कल है उनको लगा कि भाई ये इंडिया ही है क्यों ऐसा क्योंकि इंडिया को डिस्क्राइब किया गया था कि उसके तीनों बाजू समंदर है और अगर आप साउथ अफ्रीका को देखोगे तो साउथ अफ्रीका के यहाँ पे वेस्ट में आपको समंदर दिखेगा ईस्ट में भी समंदर दिखेगा और साउथ में भी समंदर दिखेगा तो भाई ये जो बाढ़ों लोग में डियास थे उनको ऐसा लगा कि भाई हम लोग तो इंडिया पहुंच गए तीनों साइड हमारे समंदर है आपको दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिया आ गया उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेशन भी करना शुरू कर दिए राइट बट फिर उनको पता चला कि यार ये हम लोगों ने जो ढूंढा है वो इंडिया नहीं है बल्कि वो आपका साउथ अफ्रीका है ठीक है और उस पर्टिकुलर प्लेस को जो उन्होंने ढूंढी थी उसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं उसे हम लोग आज केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं ठीक है सो so, ये अगेन अभी भी इंडिया नहीं मिला तो वापस एक नई स्टोरी कि भाई अगेन वापस एक नया एक एक्सपेडिशन भेजना पड़ेगा अब यहाँ से आगे तो लोगों को पता तो चल गया कि भाई यहाँ तक इंडिया तो नहीं है तब तो उससे यहाँ पर आपको आगे जाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं और आपको ईस्टर्न वर्ल्ड में जाना पड़ेगा सो फोर्टीन एटी के 10 साल बाद आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पोर्टुगीज ने इंडिया को यहाँ पे ढूंढने के लिए पहला एक्सपेटिशंस भेजा और उसको जो सक्सेस है वो भी आपके 1497 के एंड में और 1498 के शुरुआत में मतलब मिडल में आप कह सकते हो जब वास्को दी गामा ने इस एलेवंथ मंथ के टाइम पीरियड के दौरान कि 1497 में जो दूसरा एक्सपेडिशन निकला ठीक है उस दूसरे एक्सपेडिशन के ग्यारह महीने बाद वास्को गामा करके इंसान को मे नाइन नाइन्टी एट में कौन मिलता है मे 1498 नाइन्टी एट में इंडिया मिलता है ठीक है दिस इज़ द होल स्टोरी कि भाई क्यों आपको ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स या पोर्टुगीज या डचमैन या जो भी फ्रेंच तो वो इंडिया में आते हैं कैसे आते हैं उसकी पूरी स्टोरी क्या है उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड पोर्टुगीज इसमें सक्सेसफुल क्यों होते हैं ठीक है तो इंडिया को ढूंढने में आप कह सकते हो कि ट्रिटी ऑफ टोडेसिलस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है एंड इंडिया को इस पर्टिकुलर ट्रिटी के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है तो कि भाई पोर्टुगीज एंड स्पेन ये दोनों के बीच में ये ट्रिटी हुई थी और इसी ट्रिटी के ड्यूरेशन में पोर्टुगीज को ईस्टर्न पार्ट मिला एंड स्पेन को आपके वेस्टर्न पार्ट मिला एंड उसी ईस्टर्न पार्ट के चल चलते आपके 1497 में वास्को डी गामा के हेड के अंदर हेडमैनशिप के अंदर या तो चेयरमैनशिप के अंदर एक्सपेडिशन निकला जिसने ढूंढा आपके इंडिया को ठीक है एंड उसी तरीके से स्पेन में यहाँ पे वेस्टर्न तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोलम्बस ने निकोलस कोलम्बस जो है उन्होंने यूएसए को ढूंढा और यूएसए के जिस शोर पे वो मिले थे उस शोर में आपको देखने को मिलेगा कि आज के टाइम में उस पर्टिकुलर शोर को कोलंबिया उस कोलंबिया स्टेट आप सबको पता होगा उस कोलंबिया स्टेट का नाम दिया जाता है राइट ऐसा क्यों क्योंकि स्पेनिश इंसान था स्पेनिश एक्सपेडिटर था नेविगेटर आपका निकोलस कोलम्बस राइट उसके बेसिस पे उसको यहाँ पे कोलम्बिया का नाम दिया जाता है सो दिस वॉज द स्टोरी कि कैसे इंडिया मिलता है आपके यूरोपियंस को ठीक है सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा कि किस तरीके से पूरे एक्सपेडिशंस लिए गए रीज़न क्या था आपके रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने के साथ है यहाँ पे जो कंट्रोल था डोमिनेशन था वो अरब का आ गया अब अरब्स का आ गया तो उन्होंने जो एक लैंड रूट था उस लैंड रूट को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे आपके यूरोपियंस के लिए नई चैलेंज खड़ी हो गई कि कैसे इंडिया को ढूंढा जाए तो उन्होंने यहाँ पे एक्सपेडिशंस भेजे अब एक्सपेडिशंस भेजे उसमें ट्रिटी ऑफ टोडेसिलस बनी गई आपकी 1494 में उसमें दो कंट्रीज पिक्चर में आती है पोर्टुगल एंड स्पेन जिसको पोर्टूगल को मिला वेस्टर्न पार्ट सॉरी पोर्टुगल को मिला ईस्टर्न पार्ट एंड आपके स्पेनिश को मिला वेस्टर्न पार्ट और उस तरीके से पोर्टुगल के वास्को दि गा ने 1498 में टू बी स्पेसिफिक मे 1498 में इंडिया को ढूंढा सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया ठीक है सो so, यूरोपियंस ने कुछ इस तरीके से आपके इंडिया को ढूंढा हुआ है एंड ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था जो आज हम लोगों ने क्लियर किया जिसमें हम लोगों ने बात की द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया अब इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू हम लोग इसी चैनल में आगे भी किस तरीके से ब्रिटिश जो आपके पोर्टुगीज है उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ रूलिंग को यहाँ पे हैंडल किया पॉलिटिकल इकोनॉमी को पहले कंसिडर किया एंड देन प्योरली पॉलिटिक्स में आए हम उसको आने वाले वीडियो में समझेंगे ठीक है तो हमारे से कनेक्ट रहने के लिए आप डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं राइट सो स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी स्टे वेल्दी मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए